सो गाइस सुबह हो गई है, देखो सबसे पहले उठ गया हूँ मैं। आई एम अ जोकिंग। और इधर उठ के सबका वेट कर रहा, सब लोग कब रेडी होंगे। चांटे मारूंगा, लेट उठाइए। हाँ बस हम लोग को देख रहे टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी कौन सी करनी है। और आज का जो व्लॉग होगा मतलब बहुत ही फाड़ होने वाला है। याद ही चुक चुका है, इजावे से चुक चुके हैं। ये देखो दोस्तों, विकास सर वैसे तो कभी एक्सरसाइज करते नहीं जिंदगी में, जिम में आते हैं खाली, बस उल्टा सर के बल हो गया जाते हैं। एंड यहाँ देखो क्या कर रहे हैं ये, और दम तो बिल्कुल नहीं है, दम तो एक हद तक भी नहीं है इन्हें। लो बोलो। हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों ये वाली हमारी गाड़ी है, हम लोग जा रहे हैं अब टूर के लिए। एंड सब लोग अंदर बैठ चुके हैं। ये रहे विकास सर, जावेद सर और आदि अंदर बैठे हुए हैं। सो हम लोग, हम आदि ये रहा। सो हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड काफ़ी मतलब हम आपको हर जगह की ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं हनुमान गढ़ी एंड ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। एंड अभी हम लोग थोड़ा प्रणाम वणाम कर रहे हैं भगवान को। ये देखिए मेरे जस्ट पीछे हनुमान जी हैं, और क्या मतलब बड़े हनुमान जी हैं, विशाल मूर्ति। हाँ विशाल मूर्ति है, दिल्ली में भी है लेकिन एक यहाँ भी है, बिल्कुल मतलब विशाल विशाल है। एंड जो बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों, नैनीताल में हम लोग बोलते थे सात ताल, आज हमको आपको ये क्लियर करेंगे कि सात ताल मतलब वो सात ताल नहीं है, सात ताल एक जगह का नाम है जहाँ हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है हनुमान गढ़ी। सेकेंड अभी हम लोग नकुच्चा ताल के लिए निकलेंगे और आगे वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। एंड सबकी फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं हम लोग, तो फोटोज सिर्फ इंस्टाग्राम पे आएंगे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे जाके, ये रहा इंस्टाग्राम कर लेंगे। ओके तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं, एक एडवेंचर कैंप हो रहा है यहाँ पे, बंजी जंपिंग काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ हो रही हैं वो देख रहे हैं अभी, देखते हैं कुछ करना है कि नहीं करना है। एंड काफ़ी सही जगह है, मतलब अगर कोई भी एडवेंचर करना चाहे तो यहाँ पे ज़रूर आए, तो कुछ एडवेंचर जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। सो आए और एडवेंचर करें, बहुत अच्छा। हाँ क्योंकि हम लोग थोड़े मतलब मेरा मानना है कि एडवेंचर खुद भी करो और मेहनत भी खुद भी करो, पैसे भी दो। दोस्तों जस्ट पीछे हमारे नकुचिया ताल, एंड यहाँ पे देखिए राफ्टिंग जैसे हम लोग करते हैं, तो राफ्टिंग बोटिंग सब कुछ हो रही है। उन्होंने मतलब सिर्फ वो भी पहन रखा लाइफ जैकेट, बिकॉज इनके ऊपर है कि मतलब ये कैसे चलाना है, अगर आपका मन करता है बीच में कूद सकते हैं, आपके ऊपर है। बिकॉज गाइस एडवेंचर ऐसा हो कि इसमें जान जाए या ना जाए कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो जान रहे या तो खत्म हो जाती है। बच्चों वाला एडवेंचर हमें करने का कोई शौक नहीं है। तो दोस्तों हमारी कमांडो तैयार है गुलाब में उतरने के लिए एक बार, एंड इस बार हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल प्यारे प्यारे पानी में। लास्ट टाइम गए थे मतलब बहुत उस वाले पानी में, खतरनाक वाले, राफ्टिंग वाले, जिंदगी और मौत से खेला था। लेकिन ये तो छोटा सा है हम लोगों के लिए, कभी खतरनाक होता है। हाँ सब लोग डरे हुए, खाली मैं ही दबंग हूँ अभी। I am a joking. तो चलिए दिखा दूँ पानी के शॉट्स। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग नाव चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, एंड मैं और जावेद सर एक साथ हैं। एंड जावेद सर ये रहे, हेलो गाइस, हेलो हेलो। एंड विकास सर और आदि जो है वो दूर में चला रहे हैं, आप तो जानते हैं कि मैं तो दबंग हुई। तो डरने कोई बात ही नहीं है, और जावेद सर बिना चप्पू के मैं चला रहा हूँ। हाँ बिना चप्पू के देखो मैं बस बैठा हुआ हूँ, कोई डरने की बात ही नहीं है मेरे लिए। और ये विकास सर थोड़े डरे डरे लग रहे हैं, आदि थोड़ा डरा हुआ लग रहा है, वो देखिए जस्ट वो रहे। देखिए दोस्तों जावेद सर आगे चला रहे हैं पैडल को, एंड हम लोग मतलब काफ़ी रेस में आगे हैं,
वो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग तो ये देखिएगा इस लोकेशन बिल्कुल पानी के बीच में हम लोग चल रहे हैं अभी और हर कोने को टच करके आ रहे हैं। हाँ और गाइस इसमें हमारे जो भी एडवेंचर ये हमारे ऊपर है कि मतलब हम कैसे चलाते हैं बिकॉज इंडिपेंडेंट है हम लोग। हाँ कोई नहीं हमारे आगे पीछे। इस समय हमने उनसे बात भी करी है गाइस अगर डूबते हैं तो क्या होता है तो उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ किलोमीटर जाएंगे तब तो बचा लेंगे आपको लेकिन अगर उसके आगे गए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए इसमें था फ़ोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों ने नहीं ली है लेकिन आप जानते हैं कि फ़ोन नहीं लाऊंगा तो व्लॉग कैसे बनेगा। सो इसके लिए एक लाइक तो बनता है तो एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या फेवरेट पार्ट कौन सा है वीडियो का और लाइक ज़रूर करें। क्या लोकेशन है? हाँ ये लोकेशन मज़ा आ रहा है मतलब पूरा पहाड़ी पहाड़ है ऊपर से बीच नदी में हम जा रहे हैं बहुत प्यारा लोकेशन है। चलिए गाइस मैं पैडल चलाता हूँ बिकॉज पैडल चलाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बैलेंस अगर नहीं होगा तो बैलेंस करना कोई दिक्कत नहीं मैं कर रहा हूँ। एंड हमारी जो आधी टीम है वो उस तरफ चला रही है उनको भी कवर करूंगा अभी। हाँ दोस्तों चश्मा जो है ये आदि का है बिकॉज आदि का आज फर्स्ट टाइम है आदि फर्स्ट टाइम नाइव चला रहा है ये थोड़ा वो कॉन्शियस है हल्का सा देखो वो कॉन्शियस वाली बात नहीं बिकॉज लाइफ जैकेट जो है बहुत मतलब सेफ्टी है थोड़ा फर्स्ट टाइम अभी डरा हुआ था जब मैंने वहाँ पे किया था लेकिन आज थोड़ा मतलब डर कम सा लग रहा है कम क्या नहीं आप थोड़ा डर तो लगता ही हल्का सा लेकिन इतना डर नहीं है आज पहले के मुकाबले बिकॉज थोड़ी अब हैबिट सी हो गई है। अरे क्या मस्त लोकेशन आ रहा है वाह का सर आदि ये देखिए नाव चला रहे हैं भीमताल पे एंड देखिए मेरे हमारे पीछे जो है काफ़ी नदी मदी बह रही है यही है भीमताल ये विकास सर मतलब आत्महत्या करने वाले हैं जस्ट आत्महत्या करेंगे और वो न्यूज चैनल में एंड देखिए हम लोग इन्हें बचा रहे हैं मानी क्यों ये आत्महत्या कर रहे हैं एंड जस्ट इसके पीछे जो है ये व्यू देखिए क्या मस्त व्यू है पीछे का काफ़ी बढ़िया व्यू है एंड हमने काफ़ी फोटो क्लिक करी एंड ये देखिए पीछे क्या है मोबाइल मत गिरा दियो बिल्कुल मतलब मस्त व्यू है मयंक सो फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं इस साइड का एक लेना ये पूरा आएगा एंड विकास हम जिज कर रहे हैं कि इस साइड की फोटो क्लिक करना क्या बताइए कि फोटो इधर की अच्छी आई है ये वाली या फोटो यहाँ की अच्छी आएगी आप लोग क्या करना है कमेंट करके बताइए कि कौन सी फोटो ज़्यादा अच्छी आएगी इस साइड की। ठीक है तो अभी फोटो क्लिक करते हैं एंड आदि यहाँ पे फोटोग्राफी में लगा हुआ है आदि मतलब अलग टाइप फोटोग्राफी करता है ये देखिए मतलब आदि का कुछ अलग टाइप फोटोग्राफी है हाँ सो आदि का ये इंस्टाग्राम लिंक है इस पर आप जाके देखना कि फोटोज डलती है वहाँ पे फॉलो करना भाई को। ठीक है चलिए बाय बाय दोस्तों अगर आप लोग रेसलिंग देखते होंगे रॉक को जरूर जानते होंगे एंड रॉक का एक स्टाइल है काफ़ी आईब्रो जो करने का। सो हमारा फ्रेंड आदि है वो सेम उस तरह के आईब्रो बनाता है ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सात ताल पे एंड इसके बारे में बताएंगे हमको विकास सर की मतलब इसकी क्या खूबियाँ हैं एंड सात ताल लोग बोलते हैं सात में सेवन सात का मतलब सेवन नहीं है गाइज ये बताएंगे विकास सर। दोस्तों सात ताल हमें भी पहले कन्फ्यूजन था कि सात ताल मतलब कि एक एक ताल करके सात ताल होते होंगे लेकिन नहीं सात ताल एक ताल है जिसका नाम है सात ताल वहाँ पे हर कोने में एक देवताओं के नाम से है उसको हम सात ताल बोल दिए हैं लेकिन ताल यहाँ बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सात ताल की एंड मतलब हमको ये ड्राइवर ने बताया जिस गाड़ी हम लोग आ रहे थे दोस्तों इस वक्त हम आ गए हिमालय व्यू पॉइंट पे इसको मतलब
सबसे टॉप का मतलब आने आता है, सबसे ऊपर आ गए हैं काफ़ी। अब देखिए बिल्कुल मतलब बादल बादल भी हमें आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। अब काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं अभी, एंड जो अब लोग थोड़ा चिल्ला विल्ला भी रहे हैं, आवाज़ में गूंज के आवाज़ आ रही है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हर कोई ना अपने अपने लोगों का आवाज़ चिल्ला के बोल रहे हैं और उनका आवाज़ ना बैक होता है। हमने भी बोला है, मयंक ने भी बोला है, सब लोग बोल रहे हैं। अभी जावेद सर को बोलना बाकी है और आदि भी बोलना बाकी है। मैं नहीं बोलूंगा भाई, एक तो साउंड है। हाँ, को साउंड आ रही है। मैं काफी मतलब बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे। उसने इसका नाम रखा गया हिमालय व्यू पॉइंट। नैनीताल के सबसे टॉप ऊंचाई, नैनीताल के सबसे टॉप ऊंचाई जिसके मतलब हिमालय के नाम से जाना जाता है। हाँ, नीचे का दिखा दे जरा, नीचे का। नीचे देख के डर सा लग रहा है, इतना नीचे हम ही गिर जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे वही वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों हम नीचे देख रहे हैं, खुद को डर लग रहा है। हाँ, इसलिए फोकस रहे कि हम लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं कि हल्का हल्का पैर ना फिसल जाए और व्लॉग अपलोड हो जाए। खासियत ये है कि यहाँ जो हमारा नैनीताल है दिखाया मैंगो शेप में। सो बेसिकली यहाँ पे लोग फोटो आके फोटो खिंचवा रहे हैं, बिकॉज पीछे जो पूरा का पूरा नैनीताल का जो लेक है वो दिखाया मैंगो शेप में। तो जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो लेक व्यू पॉइंट जरूर आएँ। सो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं बॉटेनिकल गार्डन, जस्ट पीछे में हमारे देखिए, इनके अंदर बहुत ही पेड़ पौधे हैं। 50 रुपये टिकट है इसकी, एंड काफ़ी मतलब बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब जगह इतनी प्यारी है कि हम अंदर ही नहीं जा रहे। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैसा वो नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे और घूमने का एज ए पार्क मतलब बहुत अच्छा है। आप लोग आज घूमो, बट हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम कम है और पॉइंट्स बहुत ज्यादा बाकी है। हाँ। इसलिए हम लोग इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, ताकि हम आपको दिखाने पा रहे हैं, इसलिए सो सॉरी। और ये बॉटनिकल गार्डन है जिसका मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये वो खुरपाताल, इसके नीचे गांव बसे हुए पूरे। यहाँ पे पानी क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप वो चेंज करता है। यहाँ पे कोई वोट एंड कुछ भी अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ के आसपास में लोगों को जाना भी अलाउ नहीं है। दोस्तों हमारे ना लवर पॉइंट्स का सबसे बड़ी पॉइंट था कि लवर पॉइंट्स पे जाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम नीचे जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे लवर पॉइंट्स के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हिल स्टेशन पे एक ना एक लवर्स पॉइंट सुसाइड पॉइंट होता ही है। इसकी खासियत तो कुछ असली वजह ये है, इसकी असली वजह ये है कि लवर्स पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है जिसका सक्सेसफुल हो गया वो लवर्स पॉइंट। अगर आपका लव सक्सेसफुल हो गया तब तो लवर्स पॉइंट है, लेकिन जिन लोगों का लव सक्सेसफुल नहीं हुआ उन लोगों के लिए ज़्यादा सुसाइड पॉइंट, वो यहाँ पे आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सो इसलिए यही लवर्स पॉइंट भी है और सुसाइड पॉइंट भी है। इस वक्त हम लोग हैं एसी केव पे, एंड सर क्या एक्सपीरियंस है बताओ। दोस्तों एसी केव में प्राकृतिक हवा है, ऐसी हवा है जो कि जिसके सामने एसी फेल है, जबरदस्त ठंड। चलो बताओ, चिल्ड। ये वो गुफा है जिसमें से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल ठंडी हवा, बिल्कुल एसी को फेल कर दिया इसने और हम लोग यहीं पर खड़े हैं। इस पॉइंट का नाम है एसी केव। मतलब देखो आदि भी आ गया ऊपर, हम लोग अभी ऊंचाई चढ़ गए। बहुत हिम्मत करके हमारा आदि आ गया, हम वेरी हैप्पी। आदि तू एक्सपीरियंस ले, बता एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। हवा कैसा लग रहा है? नहीं और कैसा लग रहा है, चिल्ड गाइस, तो चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड हवा है दोस्तों, बिल्कुल। समझ में आएगी एसी का इन्वेंट कैसे हुआ था।